जलजीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण निये पश्चिमबंग सह छय राज्यर प्रतिनिधिदेर निये सेमिनारेर आयोजन करा हय न्यू टाउन कनभेंशन सेंटारे। उपस्थित छिलेन केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सह केंद्रीय जलशक्ति दफ्तरेर उच्चपदस्थ आधिकारिकेरा। सांबादिक सम्मेलन करे केंद्रीय जलशक्ति मंत्री जानान पश्चिमबंगे 1% घरे जल पौंछय टाइमलाइने आगे काज होयेछे 26-27 मासे 17% थेके 48% काज सम्पूर्ण होयेछे 9 कोटी घरे जल पौंछेछे। विभिन्न क्षेत्रे अनेक राज्य काज सठिकभावे करते पारछे ना, তাই আমরা প্রতিটি রাজ্যে গিয়ে জানতে চাই তারা কেন কাজ করতে পারছে না, সেই বিষয়ে আলোচনা করে এই কনফারেন্সের মূল কারণ। যেভাবে ভারত সরকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন, যেভাবে কোভিড সমস্যা, ইউক্রেন পরিস্থিতি, তা গোটা ভারতবাসীর কাছে গর্বের। ইনকে বারে মে চর্চা করে অভি তো আবশ্যকতা ইয়ে হ্যায় कि जिस प्रोग्राम को भारत सरकार ने किया मिशन गंगा की, हम देश के प्रत्येक नागरिक को, हर एक बच्चे को लेकर के आए, और मुझे लगता है कि मीडिया और पूरी दुनिया को इस बात की सराहना जिस तरह से कर रही है, देश का मीडिया भी करेगा कि देश के बच्चों को, भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो अपने सभी नागरिकों को लाने के लिए इस तरह से इस स्केल पर काम कर रहा है। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिस तरह से, चाहे यमन में संकट आया होगा, चाहे कोविड की आपदा के समय में हुआ होगा, और अभी यूक्रेन में, और इसके अतिरिक्त भी जिस तरह से भारत सरकार ने अपने नागरिकों की चिंता जो दुनिया भर में रह रहे हैं उनकी की है, पूरी दुनिया के सामने, उसके कारण से भारत की छवि जो है वो बहुत ऊंची हुई है, और भारत के लोग पूरी दुनिया में जहां कहीं भी रह रहे हैं वो निश्चित रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और उनके जीवन में, उनके मन में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास सृजित हुआ है। ह्यूज द सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस हैव बीन जनरेटेड अमंग देयर देम सो दैट दे कैन दे विल बी वर्किंग मोर एफिशिएंटली एंड हमारे देश का और देश के लोगों का नाम जो है और उनका सम्मान। और কেন্দ্রের টাকা পাওয়া যায় না মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী জানান 3টি ক্ষেপে সরকারের কাছে টাকা যায়। প্রথম ক্ষেপে টাকা খরচ না হলে দ্বিতীয় ক্ষেপে টাকা যায় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি নিয়ে এসব আলোচনা করেন। রাজ্য টাকা না খরচ করতে পারলে বাকি টাকা এখানে জমিয়ে রেখে লাভ কি? খাবার জল নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে যেদিন কেন্দ্রের পরিমাণ থেকে এগিয়ে এই প্রকল্পকে পথ দেখাবে, সেদিন আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাহবা করব। अगर मिले और जाएं तो आप उनको मेरा जेजेएम का डैशबोर्ड खोल करके दिखा करके पूछना, पैसा दिया था वो खर्च क्यों नहीं हुआ। और जहां तक यूक्रेन का विषय है, जनवरी में हमने जब इस युद्ध की आशंकाएं बनी थी तब इस तरह की एडवाइजरी इश्यू की थी। दुर्भाग्य से उस समय, क्योंकि युद्ध के हालात जो है को फोर्सी हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने ये जो है चूज़ नहीं किया। कुल 20,000 बच्चों में से केवल 4,000 बच्चों ने ये ऑप्ट किया कि हम वापस अपने जो है सरजमीन पर वापस लौट जाएं। उनको लगता था शायद पढ़ाई के कारण से वो लॉसेज होंगे, युद्ध शायद, पूरी दुनिया जिस तरह से युद्ध के विरुद्ध मानसिकता रखती है, शायद युद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने शायद इस खुशफहमी में रह करके और वहाँ रहना तय किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात की आलोचना करने के बजाय इस बात की सराहना करने की आवश्यकता है कि देश का एक भी नागरिक संकट में हो तो देश की सरकार किस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चिंता करती है। प्रधानमंत्री खुद रूस के प्रधानमंत्री से बात करके और जो है युद्ध विराम कराते हैं, और उस युद्ध विराम के बीच में से निकाल करके क्यू और खरकी में से हमारे बच्चों को लेकर के आते हैं। मुझे लगता है कि इस बात की प्रशंसा करने के बजाय इस बात की राजनीति अगर करते हैं तो देश और दुनिया इस सारे विषयों को बहुत अच्छी तरह से समझती है, और जब कभी समय आता है तब उसका। न्यू टाउन से सुमन सिकदारे रिपोर्ट, चैनल 24/7।